विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत दिलवाने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोलन के 2 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे और जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि उनके ऊपर 3-3 एजेंसियां जांच में लगी हैं। उन्होंने कहा कि वे खानाबदोश नहीं है और वे अपने वंश के 122वें राजा हैं। उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों भी लिया। जिला सोलन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह कसौली के बाद सोलन में जनसभा को संबोधित करने भी पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वे जातिवाद ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन भाजपा हमेशा बांटने का काम करती है। वे कभी ऊपरी हिमाचल और निचला हिमाचल की बात करती है और अगर ये पैंतरा नहीं चलता है तो वे जातिवाद फैलाकर भ्रम उत्पन्न कर सत्ता में आना चाहती है, लेकिन कांग्रेस एकता में विश्वास रखती है और वहां बांटने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करती है। जो इंसान इंसान के बीच में नफरत पैदा करते हैं, भाई को भाई से जुदा करते हैं, और ससुर को अपने जुआई से जुदा करते हैं, उनका काम तोड़ना है जोड़ना नहीं है। हिमाचल एक है मगर उन्हें ना जगह दिया, नीचा पहाड़ ऊपर का पहाड़, ये राजपूत ये ब्राह्मण ये खत्री ये फलाना, जातिवाद और क्षेत्रवाद तो उन्होंने फैला करके लोगों में फूट डालने की कोशिश की। मैं कोई खाना बदोश फैमिली से नहीं हूँ और मैं अपने खानदान का 122वां राजा देख रहा है, सीबीआई भी देख रही है और ईडी भी देख रही है, इनकी एजेंसी एक ही चीज को देख रही है, मेरी जो इच्छा शक्ति है विल पावर है उसको तोड़ने के लिए तो बोल जाएंगे बात को। मेरी वजह से टूट सकता है तो चुप नहीं सकता, और खुद अफसर कहते हैं कि यार कुछ नहीं है, हमारे ऊपर से झंडा है। मैं कभी अपनी बात पब्लिक नहीं करता, मैं पहली बार दिल्ली की बात की है किसी चीज को, आज तक मेरा भरोसे भी नहीं जानता। आज हमारे पास एक जो पहले जमीन थी उसका 5% भी नहीं है,